फर्स्ट टाइम सेक्स या फर्स्ट नाइट के बारे में बात करते हैं कि भाई वर्जिनिटी लूज करना है क्या, वो किया तो क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है सेक्स का, और वो शादी के बाद का हो सकता है, पहला एक्सपीरियंस है, उसके पहले कभी ट्राई नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया। या हो सकता है कि आप पहली बार अपने गर्लफ्रेंड के साथ में आज सेक्स करने जा रहे हो, प्लानिंग किया हुआ है और सेक्स करने जाना है। और हो सकता है कि आप सेक्स वर्कर के पास में या प्रोस्टिट्यूट के पास में जा रहे हो, वो भी अपना पहला टाइम है। जब भी कभी पहला टाइम होता है तो नेचुरली टेंशन आना स्वाभाविक है। अभी हम बात करते हैं कि शादी के बाद का पहला सेक्स, उसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन आने की संभावना है, क्योंकि होता क्या है कि पहले शादी के पहले 2-3 दिन 4 दिन बहुत धूमधाम होती है, यात्रा सफ़र करनी पड़ती है, अलग जगह पे शादी हो गई, वापस बारात लेके आए हुए हैं, फिर पूजा पाठ है, धर्म कांड करना है, और उसमें फिर वो बाद में फर्स्ट नाइट का समय आता है, तब तक बहुत थके हुए रहते हैं, नींद पूरी नहीं हुई रहती है, और फिर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, टेंशन है, होगा नहीं होगा। और फिर इसके बारे में सुना है अपने दोस्तों के जरिए कि भाई दोस्त ने बोला है कि मैं तो ऐसा किया, वैसा किया, 5 बार किया, 10 बार किया, मैं तो 1-1 घंटा करता हूँ, 2-2 घंटे करता हूँ, जो भी सुना होगा वो। या फिर आपने पॉर्न वीडियोज़ देखे हुए, उसमें से आपने कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, और फिर ये सब लेके जब आप फर्स्ट नाइट करने जाते हो तो बहुत बड़ा डिसइल्यूजनमेंट हो सकता है, डिसइल्यूजन कंप्लीटली, भ्रम, निराश हो सकता है कि जल्दी मतलब सेक्स करने के पहले ही गिर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या बहुत ज़्यादा डर है, उसके वजह से पेनिट्रेशन ही, मतलब योनि में पेनिस का पेनिट्रेशन ही ना हुए, वो भी संभावना है, या डर के मारे उसका वो अलाउ ना करे, पत्नी या लड़की अलाउ ही नहीं कर रही है डर के मारे वे सेक्स करने के लिए। तो आपको बहुत जल्दी करना ही नहीं है शादी के बाद में, यदि आप सेक्स करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी करना ही नहीं है, पहले 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जाने दो, एक दूसरे को समझ लो, फोर प्ले करो, एक्साइटमेंट क्या है वो महसूस करो, और फिर बाद में फिर आप सेक्स कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा लोग बोलते कि नहीं हमको फील ही नहीं हुआ सेक्स हुआ करके, ऐसा कभी कभी लड़कियां भी बोलती हैं मेरे को फील नहीं हुआ। अब फील नहीं हुआ ये बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि फील नहीं हुआ मतलब क्या, उसको ऑर्गेजम हुआ नहीं, उसको एक्साइटमेंट नहीं आया, क्योंकि वो तो लड़कियां क्या करती है कि उनके सहेलियों से मालूम कर लेती कि ऐसा होता वैसा होता, कुछ तो भी ऐसी कहानियां बताती रहती है, और उसको लगता है कि एक ऐसा कुछ तो भी स्टैंडर्ड है कि वो ऐसा होना चाहिए। अब देखो शक्कर हम खाते हैं तो भी शक्कर स्वीट है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, बोल सकते कि कैसा स्वीटनेस क्या होता है शक्कर का, वो खा के देखना पड़ेगा, और हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस अपने अपने शब्दों में बोलेंगे, वैसे ये है। तो फीलिंग लोगों के ऊपर मत जाओ, कंपेयर मत करो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने करना चाहिए। यूजुअली पहली नाइट आराम से बातचीत करना, समझ लेना एक दूसरे को, प्यार करना, फोर प्ले करना बहुत ज़रूरी है। लोग प्लानिंग करते कि नहीं भाई हमको बच्चा नहीं चाहिए साल भर तक, तो फिर कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। अभी कंडोम में भी कम, कंडोम कब लगाने का है, कंडोम लगा के फिर बाद में इरेक्शन निकल जाएगा क्या, कंडोम निकल जाएगा क्या, मतलब वो भी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे टेंशन्स होते रहते हैं। फिर फैमिली प्लानिंग के अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं कि भाई इरेक्शन तो हो गया मगर इजैकुलेशन होने के पहले ही बाहर निकाल लेना क्या और बाहर इजैकुलेशन करना क्या, ऐसे अलग अलग जानकारी लोग लेते रहते हैं। साइंटिफिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हाइमेन रप्चर नहीं हुआ, मतलब जो योनि लिंग का पर्दा रहता है, योनि का जो पर्दा रहता है, हाइमेन जिसको बोलते हैं, योनि पटल द्वार, तो वो फटना जरूरी है पहले नाइट को, और वो फटा नहीं और खून नहीं आया तो इसका मतलब लड़की कुंवारी नहीं है, और बाद में कई शादियां टूट जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो हाइमेन है, योनि पटल द्वार, तो वो जो द्वार है वो इलास्टिसिटी उसको काफ़ी रहती है, हो सकता है कि वो फटा भी नहीं हो और तभी भी सेक्स हुआ, हो सकता है कि वो पहले ही फट गया है। क्या होता है कि साइकिलिंग में है या दौड़ना है या पैर ऐसे फक गए जोर से, तो वो पहले फट जा सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की कुंवारी नहीं है, तो वो भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कि भाई खून नहीं आया पहले रात को, मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है, या पहले रात को ही 4 बार करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए, वो हुआ नहीं, फील नहीं आया करके, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये देखो कि भाई पहले 7 दिन
तो हमको कुछ करना ही नहीं है और कोई कंक्लूजन पे आने का नहीं है फर्स्ट टाइम सेक्स में, कुछ भी कंक्लूजन नहीं। पहले 7 दिन एक दूसरे को समझना, फोर प्ले करना, अंडरस्टैंड करना, वो जरूरी है। नो कंपैरिजन, नो स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई ये स्टैंडर्ड ऐसा है, वो स्टैंडर्ड ऐसा है, 4 बार करना, 5 बार करना, ऐसा भी करना नहीं है। रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन। कोई अपने को लड़ाई में जाने का नहीं है कि लड़ाई में जाना है और लड़ाई जीतना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे दिमाग में उतना अच्छा रहेगा। घड़ी की तरफ देखना नहीं है, मिनट के हिसाब से सेक्स करना नहीं है, ऑर्गेजम होना जरूरी है। अभी हो सकता है कि ऑर्गेजम बिना पेनिट्रेशन का भी हो जाएगा, फिंगरिंग करके भी शुरू शुरू में ऑर्गेजम हो सकता है, योनि लिंग को जो स्टिमुलेशन करते हैं उससे भी ऑर्गेजम हो सकता है, और उसको उसमें भी बहुत संतोष लेडी को हो सकता है। हो सकता है कि आपका पेनिट्रेशन नहीं हुआ, लिंग का योनि में प्रवेश नहीं हुआ और तभी भी बाहर निकल गया और आपको ऑर्गेजम हो गया, वो भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस पॉसिबल है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली सेक्स काउंसलिंग करना जरूरी है। सेक्स काउंसलिंग करके सेक्स के बारे में नॉलेज लेके ही पहला नाइट जो है वो सेलिब्रेट करना जरूरी है। यदि पहले नाइट में आप बिना नॉलेज जाते हैं तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, जानकारी लेना जरूरी है, हमारे काफ़ी सारे सेक्स वेबिनार्स होते रहते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे कंसल्टेशन हम ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं, उसमें आप हमारे अपॉइंटमेंट लेके आप फर्स्ट नाइट के बारे में कंसल्टेशन करके फर्स्ट नाइट एंजॉय कर सकते हैं। मगर अनजान आदमी यदि जाता है और वो करता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट, कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमको लड़ाई पे जाके जंग जीतना नहीं है, हमको एक दूसरे को समझना है, एक रूप होना है, 2 बॉडीज और एक आत्मा, इस तरह का एक रूप होके फर्स्ट नाइट होनी चाहिए। और वो नहीं होती है पहले नाइट को तो कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम देना जरूरी है। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं फर्स्ट नाइट को तो बिल्कुल ही करना नहीं है, क्योंकि थकान जो है यदि दिमाग में है, टेंशन है, थकान है, फिजिकली थक गए तो हो सकता है कि सेक्स होगा नहीं, और फिर वो टेंशन से दूसरे दिन भी सेक्स होगा नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम के लिए आप सेक्स काउंसलर को आपके संपर्क करो, सेक्स नॉलेज अच्छा ले लो और बाद में ही सेक्स करने का है। ये भी आपको अच्छा लगा लोगों को शेयर करो। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।